अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अफ्तार नासर। जी डी एस में लास्ट हमने एक्सरसाइज 15 का क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट किया। अब हम करने जा रहे हैं इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 की सबसे पहले स्टेटमेंट देखते हैं, देन हम इसको सॉल्व करते हैं। स्टेटमेंट की अच्छे से समझ आ गई तो क्वेश्चन हो गया सर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट कहता है अ लैडर 17 मीटर लॉन्ग, एक सीढ़ी है वो 17 मीटर लेंथ है उसकी, अगेंस्ट अ वर्टिकल वॉल, एक वर्टिकल दीवार जो है वाल है उससे अगेंस्ट उसकी जो सीढ़ी है लगाई गई वो 17 मीटर लंबी है। ठीक है, सीढ़ी इस तरह से लगाई जाती ना, ऐसे डायगोनल की तरह। द फुट ऑफ द लैडर इज 18 मीटर अवे फ्रॉम द बेस, तो वो जो बेस उसकी है अवे है उस लैडर से, वर्टिकल वाल से, इस तरह से 18 मीटर उसकी लेंथ होगी, अवे फ्रॉम द बेस टू द वाल, वाल से जो लैडर की बेस है ना वहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 8 मीटर है। ठीक हो गया। हाउ हाई अप वाल विल द लैडर, उसकी लंबाई क्या है जी, वर्टिकल लंबाई उसकी कितनी होगी। इसका सिनेरियो कुछ ये बन रहा है कि अगर ये हमारे पास एक दीवार है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो वो अवे है, यहाँ से लैडर की फिट तक उसके पाँव तक, वो हमारे पास है 8 मीटर, और जो सीढ़ी की लंबाई उसने उन्होंने बताई हुई है, ये सीढ़ी इस तरह से होती है ना सीढ़ी, वो लंबाई 17 मीटर बताई हुई है। हमारे पास ये नहीं है जी, वर्टिकल वाल जो इसकी लंबाई नहीं है, तो हम ऐसा कह सकते हैं ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गई। इसमें हमें चाहिए इसका ये डिस्टेंस चाहिए, मेजरमेंट बी सी, मतलब मेजरमेंट बी सी हमने फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमारे पास जो गिवन है वो लिख लेते हैं जी, गिवन दैट ए से लेकर बी तक का जो डिस्टेंस है मेजरमेंट ए बी वो है 8 मीटर। ठीक हो गया। और नेक्स्ट हमारे पास है मेजरमेंट ए सी वो है 17 मीटर, एंड हमने फाइंड करना भी है, वी फाइंड दैट मेजरमेंट बी सी, ये फाइंड करना है। तो इसके लिए हमारे पास बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या है जी पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूस हमारे पास क्या है जी, ए सी, मेजरमेंट ए सी हमारे पास जो है ना ये हाइपोटेन्यूस है, और परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है जी, मेजरमेंट बी सी, ये हमने फाइंड करना है, और बेस हमारे पास है जी मेजरमेंट ए बी, ये हमारे पास है। तो ए सी जो हमारे पास है वो हमारे पास है जी 17 मीटर होल पावर 2, और परपेंडिकुलर हमारे पास है बी सी, तो बी सी हमारे पास क्या है जी, हमने फाइंड करना है, इसको छेड़ना ही नहीं, इसको वैसे ही लिख लेना है ऐसे। और बेस हमारे पास है जी ए बी, तो वो हमारे पास है मेजरमेंट ए बी हमारे पास है इधर 8 मीटर, तो वो हम लिख लेते हैं। 17 का स्क्वायर क्या बनता है जी, 17 होल पावर 2, तो ये बताता है 289, और साथ एम है उसका भी स्केयर, तो मेजरमेंट बी सी जो हमारे पास आया वो हमारे पास आ गया वैसे ही, क्योंकि हमने फाइंड करना है। और नेक्स्ट हमारे पास है 8, इसका स्केयर करें तो ये 64, तो यहाँ पर हमने ये फाइंड करना है, तो उसके साइड पे ले जाते हैं, तो 289 मीटर स्केयर वो 64 पॉजिटिव है, इधर आके नेगेटिव एम स्केयर, और मेजरमेंट बी सी ये आ गया। तो इसके इसमें सब्ट्रैक्ट करते हैं तो बराबर आता है 64 225 मीटर स्क्वायर, मेजरमेंट बी सी होल पावर 2, हमने फाइंड करना है जी मेजरमेंट बी सी, उसको इस साइड पे लिख लेते हैं खूबसूरती के लिए, ये आ गया। अब इसका ये फाइंड करना स्क्वायर की ज़रूरत नहीं है, तो हमारे पास इधर क्या आ जाता है, टेकिंग स्क्वायर रूट
ऑन बोथ साइड्स। ठीक हो गया, हम इसकी इसके रूट इसका फाइंड करते हैं, वो मेजरमेंट बी सी वो हमारा सर ये आता है, और यहाँ 225 होल पावर इसके रूट, तो ये इसे कट गया, तुम्हारा मेजरमेंट बी सी जो आया वो क्या आएगा, 225 का स्केयर रूट हम फाइंड कर लेते हैं, 225 स्केयर रूट फाइंड किया तो वो 15 आ गया, और साथ मीटर भी आता है, तो यहाँ पर हमारे पास ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस हमने फाइंड किया वो हमारे पास आ गया 15 मीटर। तो ये हमने फाइंड करना था, जो हमारे पास वाल है उसकी लंबाई फाइंड करनी थी। तो यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 8 कम्प्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।